बच्चों ने बोला मुझे कि सर आप फालतू की बातें मत करो यार, आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हो पता ही नहीं चलता। ऐसा लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ क्या? एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसके अंदर एक कहीं ना कहीं ऐसी फोटो है, फोटो नहीं पॉइंट है ओ, सच दैट ये तीनों एंगल इक्वल हो। मैं नहीं कह रहा ये इनसेंटर है, मैं नहीं कह रहा ये सेंट्रोइड है, कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा। सच दैट ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए एंड बी के सामने 5 है, ए एंड सी के सामने 8 है, बी एंड सी के सामने 7 है। अरे अम्बी 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 अम्बी, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आंसर इज 129। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अरे रुक जाओ यार, रुक जाओ यार, रुक जाओ। कई बच्चे बोल रहे हैं ना, लाइक आप लोगों ने अभी तक सॉल्यूशन नहीं भेजा है, आप लोगों ने अभी तक सॉल्यूशन नहीं भेजा है। दोबारा से सुनो, दोबारा से सुनो, क्या है यार, इस ध्यान से सुनना। ये चीज लिखी हुई थी, मेरे को एक पैटर्न दिखाई दे रहा था, मुझे तीन परफेक्ट स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं, ए बी और 5 का स्क्वायर, या बी सी और 7 का स्क्वायर, सी और 1। अगर मैं एक बार स्क्वायर को एक साइड में ले जाऊं तो मुझे यहां माइनस ए बी दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया मुझे यहां पे, माइनस ए बी दिखाई दिया। और इस माइनस ए बी को अगर मैं इधर ए बी डिवाइड लगाऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दो नंबर का स्क्वायर हो रहा है, माइनस तीसरे का स्क्वायर डिवाइड बाय जिनका स्क्वायर ऐड हो रहा है वो नीचे आ रहे हैं। ये तो कोसाइन रूल में था शायद, ये तो कोसाइन रूल में होता है ऐसा। ठीक है ना, अब दूसरा भी बताऊंगा, दूसरा भी बताऊंगा। तो मतलब मैंने जब इसको ऐसा ऐसा इज्जत से किया तो ये जो चीज है -1/2 आई, और -1/2 होता है 120 डिग्री। कितना होता है? कितना होता है? 120। बेटा हम भी, मैंने एक ऐसा पॉइंट ले लिया कहीं पे, मान लो यहां पे ले लिया, सच दैट इनके बीच में 120 डिग्री, फिर 120, रैंडमली कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात आती है सर आगे, देखो अभी भी सोल्व हुआ नहीं है ये, अभी भी सोल्व हुआ नहीं है ये, आगे क्या करें? क्या मैं इस ट्राइंगल का एरिया, मैं कोसाइन रूल लगाता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ये तो 5 ही होगी ना, तो ऐसे ये 7, ऐसे ये 8। अब सुनना, अब सुनना, क्या इस पूरे ट्राइंगल का एरिया मैं निकाल सकता हूं हीरोन फॉर्मूला से? और क्या मैं ये भी लिख सकता हूं कि इस एबीसी का एरिया एओबी एओसी बीओसी के इक्वल होगा, और किसी भी ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड इंटू साइन ऑफ दैट एंगल होता है। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, ये अपन करेंगे भी, साइन रूल यही होता है कि ए बी सी समझ मरवाएगा तू मेरे को, हाफ सी बी साइन ए, हाफ ए बी साइन सी, हाफ सी ए साइन बी। ऐसा करने पर मेरे पास ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी आएगा, बस हे भगवान उठा लो मेरे को।